धौलपुर के चंबल के भीड़ों में छिपे कुख्यात दस्यु जगन गुर्जर की तलाश कर रही पुलिस का देर रात दस्यु रामविलास और साथी भरत गुर्जर गैंग से आमना सामना हो गया। मंगलपुरा गांव के बीहड़ में करीब 5 घंटे तक आमने सामने ये फायरिंग चालू रही। इसमें 200 से भी अधिक बार फायर किए गए और दोनों की ओर से हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए। मुठभेड़ देर रात 12 बजे के आसपास खत्म हुई। एसपी अजय सिंह ने बताया कि दस्यु जगन की तलाश में पुलिस की भीड़ों में लगातार दबिश जारी थी। देर रात को जहां जगन की तलाश में भीड़ों में दबिश देने गई, पुलिस के 2 लोगों के साथ दस्यु रामविलास और भरत मिले। दोनों डकैतों ने लोगों को बंधक बनाते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में पुलिस ने बंधक बने दोनों लोगों को छुड़ाते हुए डकैतों पर फायरिंग करनी शुरू की। इसी बीच डकैत बंधक बने दोनों लोगों का फायदा उठाते हुए चचखोर की घाटी में कूद गए और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। पुलिस को बंधक बनाए गए दोनों लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले करौली जिले से एक ट्रैक्टर लूटा गया था, जिसकी 30,000 रुपए की फिरौती की रकम रामविलास और भरत को देने के लिए वो दोनों करौली से धौलपुर आए थे। पुलिस ने भी दोनों लोगों को छोड़ दिया है। वहीं मुठभेड़ खत्म होने के बाद भी पुलिस भीड़ों में सर्चिंग अभियान चलाए हुए है।